फ्रॉम यूक्रेन, कुछ लोग रशिया से भी है, कुछ लोग कजाकिस्तान से भी है, कुछ लोग यूरोप से भी है, इंग्लैंड पोलैंड से, और हमको लग रहा है विशेष यूक्रेन हमारा देश यूक्रेन, मुझे लग रहा है मैं अपने देश में हूँ। हरि शरणम जन की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता कथा के आयोजन से पहले शनिवार को हल्द्वानी के नैनीताल रोड मुख्य मार्ग में 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, बैंड बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान हल्द्वानी क्षेत्र की 1100 महिलाएं पारंपरिक रूप से सज धज कर सिर में कलश लेकर सड़कों पर उतरी। बता दें कि देश भर की 21 पवित्र नदियों का जल लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची महिलाओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से गुलाब के 5 कुंतल पुष्प की वर्षा की गई। वहीं इस आयोजन में विदेशों से भी कुछ श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहां रहने वाला हर शख्स भाग्यशाली है। अरे अद्भुत है ये औजार, पूरा यूपी उत्तराखंड पूरा मुझे लग रहा भारत में भी नहीं दिखा इतना सुंदर है ये औजार। और विशेष आप लोगों का भाव है, आप लोग पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, लग रहा हमारा अपना देश है। आई एम फ्रॉम यूक्रेन, कुछ लोग रशिया से भी है, कुछ लोग कजाकिस्तान से भी है, कुछ लोग यूरोप से भी है, इंग्लैंड पोलैंड से, और हमको लग रहा है विशेष यूक्रेन हमारा देश यूक्रेन, मुझे लग रहा है मैं अपने देश में हूँ। जिधर गंगा जी बहते हैं, जिधर देवी भूमि बोलते हैं, तो ये तो विशेष जगह। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली लोग हैं, सुंदर इतना आयोजन, भागवतम सप्ताह सब चीज है, नगर कीर्तन, कुछ देश में जैसे कजाकिस्तान पुलिस मना करते, रशिया में ये भी मना है, सरकार अनुमति नहीं देता, प्रशासन अनुमति नहीं देता, आपका भारत सरकार कितना बढ़िया है, सपोर्ट कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। मेरा निविदा से है, अदिति है सुंदर, हमारे हल्द्वानी का एक भव्य जो है कार्यक्रम हो रहा है, सारा जनमानस इसमें अपने को शामिल करके जो है इस कलश यात्रा का जो है पूरा आनंद ले रहा है, और धर्म की चीज़ है तो सभी को मनोभाव से पूरे लगे भी हैं, काफ़ी लोग हैं तो व्यवस्था भी, हम लोग व्यवस्था को देखने में भी लगे, क्योंकि व्यवस्था में को भी करना बड़ा मुश्किल काम है, आप देख रहे हो असंख्य संख्या में, गिनती गिनी नहीं जा सकती है, एक लंबी कतार है जो मंगल पड़ाव से लेकर पूरे आपके डिग्री कॉलेज वहाँ तक का पूरी पहुँचेगी, तो जो है बहुत ही सुंदर और आयोजन भी अच्छा है। प्रतिभा जोशी जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत सुंदर लग, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज हमारी पूरी कुमाऊं की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है, महिलाओं की योग एकता दिखाई दे रही है, सब कुमाऊनी परिधान में सब लोग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि 111 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है और सब लोगों का सहयोग दिया जाएगा उसमें, सब लोगों के सहयोग से होगा, बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है। हर्षरण की बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो और वैसे तो हल्द्वानी के रहने वाले हैं लेकिन हम वृंदावन से ही हैं, हमारा जन्म वृंदावन, वृंदावन की पार्टी यही है हमारी पार्टी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा भी है। हर्षनम जन का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, वो ऐसा प्रोग्राम करते हैं हमको बहुत आनंद आता है। ये प्रभु की कृपा से इतना बड़ा भव्य आयोजन श्री बांके बिहारी और हमारे परम पूजनीय बाबा जी की कृपा से प्रोग्राम हो रहा है, और पूरे शहर में एक धर्म के प्रति जो है एक बहुत ही सुंदर माहौल बना है, और हमारी कोशिश भी यही है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो, इतना हमारा प्रयास है। शहर में आज इतना बढ़िया हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत अच्छा लगा उसके, ये बहुत अच्छा काम है, मतलब कन्याओं का जो विवाह का बहुत पुण्य का काम है, और शहर में ऐसे काम होते रहने चाहिए। अल्पना तिवारी, हल्द्वानी में मेरे ख्याल से पहली बार इस तरीके का ये हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।